पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा किस तरह से टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन लावा टाइटन के भाई आइस गॉड टाइटन को हराने के लिए एक आयरन मैन का सूट बनाते हैं और उनका वो सूट सफल हो जाता है, तभी वो आइस गॉड पे हमला कर आइस गॉड को सक्सेसफुली हरा भी देते हैं। लेकिन इतने में ही फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क के पीछे लावा टाइटन का कहर बरस जाता है और लावा टाइटन को गुस्सा आ जाता है कि उसके बड़े भाई को फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क ने मारा कैसे। तभी वहीं पर रेड हल्क अपनी आर्मी बनाकर टोनी स्टार्क के स्टार्क मैंसन पे हमला करने की बात कर रहा होता है। वहीं फ्रैंकलिन अपना एक नया सूट बनाकर टोनी स्टार्क के स्टार्क मैंसन पे गया ही होता है, वहीं उसको रेड हल्क की आर्मी मिल जाती है। और अब आगे हेलो अरे जवाब दे फ्रैंकलिन, कहां पर है? अरे भाई कैसे जवाब दूं, इन सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। मैं तेरे स्टॉक मेंशन में मैं बहुत ही कमाल के ट्यूटोरियल्स और मटेरियल्स लेने आया था, लेकिन यहां तो मैं ही फंस गया। अरे यार अब तो मुझे तुझे बचाने आना होगा, एक काम कर तू वहीं रुक कुछ टाइम, मैं तुझे बचाने आता हूं। अरे गाइस हमारे फ्रैंकलिन को रेड हल्क की आर्मी ने पकड़ लिया है, चलो एक काम करो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, मुझे अभी कभी फ्रैंकलिन को रेड हल्क की आर्मी से बचाना होगा, नहीं तो ये लोग मेरे फ्रैंकलिन को लावा गॉड को सौंप देंगे, उसके बाद लावा गॉड उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आगा, मारो इसको। अरे ये लो तुम्हारे तो हटो यहाँ से, फ्रैंकलिन को हवाले करो मेरे, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये लो गाइस मेरे सूट की फास्टेस्ट स्पीड इतनी ज्यादा है कि हल्क्स को रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने बुरी तरह से मार रहा हूँ। ये लो सबको मार दूंगा मैं, एक मिनट फ्रैंकलिन मेरे साथ चल, मुझे लगता है फ्रैंकलिन भी स्लो हो गया है, इसको सबसे पहले लेके चलता हूँ। अरे भाई एक मिनट, ये क्या हुआ, पलक झपकती तूने मुझे कैसे बचा लिया? मैं असल में सूट के फास्टेस्ट मोड में चला गया था, मैंने एक सेकंड के अंदर सारे हल्क्स को ढेर किया और उसके बाद ये बचा लिया। अरे वाह तू तो टैलेंटेड है, लेकिन फिलहाल तू कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? मैं तुझे फिलहाल मिलिट्री बेस से दूर लेके आया हूँ, जिससे कि उन रेड हल्क की आर्मी का और साथ साथ में लावा टाइटन का तेरे पास हमला ना हो। ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पर हम आए किसके पास है? मैं तुझे असल में एक बहुत ही पुराने दोस्त से मिलाने आया हूँ। लेकिन कौन दोस्त, उसका भी पता तुझे जल्दी चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें तेरे सूट को रिपेयर करना होगा और साथ साथ में जितनी भी जानकारी तुझे मिली थी स्टार्क मेंशन पर वो सब मुझे बता। तुझे पता भी है भाई वहाँ हजारों की तादाद में रेड हल्क थे, उन सब लोगों ने मुझे एक साथ हमला कर दिया। बॉस मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी परेशानी हो गई। क्या हुआ? अरे मुझे ऊपर तो बुलाइए। क्या बात है, बुला भी लिया? मेरे बॉस मेरी बात सुनिए प्लीज, गुस्सा मत होइएगा। मैंने उस नमूने फ्रैंकलिन को पकड़ लिया था स्टॉक मेंशन पर, जैसे ही उसने हमला किया मैंने उसको पकड़ के वहीं दबोच लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई वहीं से पीछे से टोनी स्टॉक सुपर फास्टेस्ट स्पीड के साथ एक सूट में आया और उसने मेरी पूरी आर्मी को एक सेकंड में ढेर कर दिया। ये सब बकवास बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ अभी के अभी मेरे तीन बच्चों को लेकर आओ। अरे बॉस लेकिन आपके तीन बच्चे हैं कौन? तुम्हें पता चल जाएगी, मैं तुम्हें खुद भेज रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरी बॉडी खुद से खुद कैसे काम कर रही है? अरे बॉस आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, प्लीज मारो मत मुझे। अरे मेरे बॉस मुझे साथ मारेंगे, एक मिनट ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं? और अब बाप रे कौन है? लगता है खाना आया है, अरे खाएंगे इसको। अरे प्लीज मुझे खाओ मत, मैं छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुच्छड़ रेड हल्क हूँ। अरे बकवास बंद कर, ये बताया तुम्हें हमारी दुनिया में है? अरे कौन तू? अरे अभी तो बताया मैंने, असल में मुझे आप सभी के पापा ने भेजा है। पापा ने बुलावा भेज दिया? हम इंसान खाने में बहुत मजा आया करता था जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए लेकिन पापा के लिए तो हम आज भी बच्चे हैं। कोई नहीं चलो इंसान अभी दुनिया में है, इंसान खाएंगे। अरे आराम से मुझे बदहजमी हो जाएगी। अरे चुप कर पागल कहीं का। अरे ये गॉडज़िला कैसा है उड़ रहा है? अरे भैया पागल दुनिया में आ गया हूँ मैं। तू मुच्छड़ चुप रह नहीं तो मार दूंगा। पापा मैं आ गया। आओ मेरे बच्चे आओ, तुम्हारे दोनों भाइयों को भी साथ लाओ। जी बाबा जी, जैसे आपने बुलाया था ऐसे हम चले आए, दोनों भाई कुछ शहर में खाना खाने गए। बहुत बढ़िया, ये दुनिया तुम्हारे लिए ही मैं कब्जे में ले रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें इस दुनिया से दूर एक आइलैंड पे जाना होगा। तो वहाँ क्या करना है? हंसना बंद करो, मेरी बात सुनो, वहाँ जाकर तुम्हें फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क को मारना होगा। जैसी आपकी आज्ञा, अभी चलता हूँ। वैसे वो इंसान तो होंगे? बिल्कुल पेवर इंसान है। ऐसी बात है, फिर तो चबा के खाऊंगा। ये उड़ा। अरे यार अभी तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये रेड हल्क ने उनका साथ क्यों दिया जबकि रेड, अरे बाप रे क्या हो गया? अरे गाइस ये किसका हमला हो गया हम पर? सबको मार देंगे इंसान। अरे एक मिनट, ये तो लोहे के इंसान है, ए, अपना शरीर दिखाओ इंसान वाला, तुमको खाना। अरे गाइस ये किसका हमला हो चुका है? अरे यार ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई, हटो यहाँ से। अरे बाप रे मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना बड़ा सा, ये कौन है? अरे एक मिनट, ये एक नहीं ये तो कई है, ये तो थ्री हेडेड बर्निंग गॉडज़िला है, इसको जल्दी मारना पड़ेगा। स्टॉक हम साथ में हमला करेंगे तो इसको हरा पाएंगे। ठीक है मैं पीछे से हमला करता हूँ, तो आगे कर सर। समझ गया। अरे गाइस जल्दी करते हैं। अरे बाप रे तो बहुत बुरा मारा है। गाइस प्लीज मेरी मदद करो, कमेंट में आप सभी को आयरन मैन ओपी लिखना होगा। अरे ये कैसा इंसान है? अरे इंसानों में कब से इतनी पावर आ गई? मम्मी बचा। गाइस देखिए मैं इसको कितना बुरा मार रहा हूँ, ये ले मेरा एलिमेंटल सूट, कोई नॉर्मल सूट नहीं है, मैं थ्री हेडेड बर्निंग गॉडज़िला को मार दूंगा। ये ले, क्या बात है गाइस,
हमने थ्री हेडेड बर्निंग गॉडज़िला को बेहोश कर दिया है। मजा ही आ गया फ्रैंकलिन, लेकिन तू कहां पर स्टार्क? अरे मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था। कोई बात नहीं है, वैसे मैंने अकेले ने हरा दिया, हाँ क्रेडिट मत लेना। गाइस देखिए मैंने थ्री हेडेड को हरा दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई टोनी स्टार्क। क्या बात समझ नहीं आई? रुक मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे समझाता हूँ। गाइस जल्दी जल्दी हमें करनी होगी। टोनी स्टार्क मेरी बात सुन। अरे बताएगा, इतना घबरा क्यों रहा है? असल में मैंने इनको दो देखा था, लेकिन एक को मारा तो दूसरा कहाँ गया? अरे तुझे वहम हुआ होगा, ये थ्री हेडेड गॉडज़िला है, एक दो कैसे हो जाएंगे, सिर्फ एक ही होगा। बात तो तू सही कह रहा है, काश मेरा वहम ही हो वो। दोस्तों ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर। सही बोल रहा है। अरे पाप रे, ये क्या? पापा कहते थे बड़ा काम करेगा, लेकिन छोटे इंसानों को मारना पड़ रहा है। मेरे भाई को तुम लोग मारेगा यारा, तीन मुंह से एक लेजर मारूंगा। मजा आ जाएगा, जला दिया इनको। अरे यार ये कहां से आ गए, ये सब के सब डुप्लीकेट है। अरे यार मुझे माफ कर फ्रैंकलिन, मैंने तेरी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, इसने हमें जला के राख कर दिया। एक मिनट, हम अभी भी जिंदा है, राख नहीं बने। बोल तो सही रहे, लेकिन अब भगे कैसे यहाँ से? हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, पड़े रहने में फायदा है। सही बोल रहे हो, जल्दी जल्दी चलना होगा। कहाँ पर है टॉनी? सामने आ, अरे दिख नहीं रहा यहाँ पर। अरे यार इसी की कमी थी बस। तू मेरा स्टॉक मेंशन पे आएगा, स्टॉक मेंशन मेरा है वो, मतलब तू अपने स्टॉक मेंशन पे आएगा, मेरी आर्मी को मार के टोनी को बचाएगा, मेरा मतलब फ्रैंकलिन को बचाएगा। तूने क्या सोचा, मैं ऐसे ही भाग जाऊंगा या छोड़ दूंगा तुझे? बकवास बंद कर, जो करना है कर हमारे साथ। तुम्हें लेकर चलता हूँ मैं अपने बॉस के पास। ये देखो चमचा, चमचा नहीं हूँ मैं, आज्ञाकारी स्टूडेंट हूँ उनका। अरे नहीं यार, ये मुच्छड़ हमें एक बड़े मुच्छड़ के पास लेकर जा रहा है। मूछें सिर्फ मेरी है। क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं बॉस, ये बकवास कर रहे थे दोनों नमूने। लो मैं ले आया, मेरे पास क्यों लेकर आया इनको? जा और जाकर इनका कुछ अच्छा सा यूज कर। और पता चला कहाँ पर है मेरा दूसरा बेटा? अरे आपका बेटा जख्मी हो गया। किसने मेरे बेटे को जख्मी किया? ये जो नमूना फ्रैंकलिन है, इसने ऐसी बात है, इसको बुरी सजा देना। अरे नहीं गाइस, यहाँ एक महीने से मैं इस जेल में पड़ा हूँ, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं डेली मुझे। मैं दिन में 80 बार तो शायद मर जाता हूँ अपने सपनों में ही। और ऊपर से ये देखिए क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मीटियोर्स गिरते रहते हैं। जब से ये लावा आया है, हमारी धरती का संतुलन बिगड़ गया है, साथ साथ में हमारा सूरज भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे यार मुझे इस दुनिया को बचाना होगा दोस्तों, लेकिन कैसे बचाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और साथ साथ में टोनी स्टार्क का है, कोई तो हेल्प कर दो, ये दुनिया खत्म हो जाएगी और मैं बस इस तमाशा को देखते रहूंगा। एक मिनट, उम्मीद की किरण गाइस मेरे पास आ रही है। ये तो मेरा जॉइंट सूट है, ये कहाँ गया, तो गायब हो गया था। गाइस एक मिनट, मेरा सूट ने इस बड़े से लावा गॉड पे हमला कर दिया। कौन चीटी है जो मुझे परेशान कर रही है? अरे गाइस ये लावा टाइटन को इसकी बातों से असर हो भी रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा दोस्त मुझे बचाने आ रहा है। आ जा भाई आ जा। अच्छी बहुत सारा मजा के पास, ये जलाया, ये बस बस हो गया। क्या बात है गाइस, इसने मेरे पूरे जाल को जला दिया। अब मैं जल्दी से काम करता हूँ, इस सूट को पहन लेता हूँ। ये पहना है, मजा ही आ गया। हमें सबसे पहले गाइस यहाँ से निकलना होगा, कहीं टोनी स्टार्क भी मुझे मिल जाता तो उसको भी मैं साथ ले जाता, लेकिन टोनी स्टार्क बदकिस्मती से मुझे मिला नहीं। रोको उनको, वो जा रहे हैं। अरे इसको मैं दिख कैसे गया, जल्दी जाना होगा दोस्तों। एक काम करता हूँ, फिलहाल कुछ टाइम के लिए मैं अपने देश को छोड़ के यहाँ से निकलता हूँ। ये ले, क्या बात है गाइस, मेरी शक्तियाँ काफी फास्ट हैं, लेकिन मैं बहुत टाइम दूर निकल आया हूँ। इसका भाई आइस गॉड अभी भी वापस नहीं लौटा है, लेकिन गाइस दुख की बात तो ये है कि ये लोग मुझे जिंदा वापस लेने के लिए टोनी स्टार्क को बहुत टॉर्चर करेंगे। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं है, फिलहाल मेरे पास एक ही प्लान है। अरे यार मुझे क्यों मार रहा है? तू बताएगा कहाँ पर गया फ्रैंकलिन और वो बड़ा सा जायंट कहाँ से आया? वो मेरा ही सूट बनाया गया था और साथ साथ में मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे किसको छोड़ने की बात चल रही है, जल्दी बता फ्रैंकलिन गया कहाँ, नहीं तो तुझे बुरी तरह से हड्डी पसली करके मारूंगा। मैंने तुझे एक महीने से खाने पीने को कुछ नहीं दिया, तू जिंदा कैसे? क्योंकि मेरे सूट में सोलार पैनल कनेक्टेड है, जब तक मैं सूट के अंदर रहूंगा ये मुझे एनर्जी देता रहेगा। पता नहीं कैसी कैसी टेक्नोलॉजी बना रख लिया तूने, कीड़ा है तू, समझा? चल अब जल्दी बता फ्रैंकलिन कहाँ है। अरे यार ये ऐसे नहीं बताएगा, लगता है बॉस के पास मुझे खुद जानी होगी और पता ना होगा बॉस को कि ये टोनी स्टार्क बता नहीं रहा है कि फ्रैंकलिन है कहाँ पर। बॉस मेरी बात सुनिए, अरे यार बॉस मुझे ऊपर तो उठाइए, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। वो कभी उठाता हूँ, क्या बात है बॉस, आप तो काफी ज्यादा भारी आदमी हो, जल्दी बता क्या काम है। मैंने उस टोनी स्टार्क को पिछले 3 दिन से बहुत बुरी तरह से टॉर्चर पे रखा है, कुछ नहीं बता रहा है, बोले जा रहा है कि कुछ नहीं बोलेगा। ऐसी बात है, लगता है मैंने तुझे हायर करके गलती कर दी। अरे ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं ट्राई करता
हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल आपके बेटे कहाँ है? मेरे बेटे ने पिछले 10 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा इंसान खा लिए हैं, लगता है मोटे हो जाएंगे। अरे गाइस जल्दी जल्दी करना होगा हमको, नहीं तो ये लोग मेरी दुनिया को खत्म कर देंगे, मेरे प्यारे दोस्तों को और शहर वासियों को भी। नहीं मैं बचा के रहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे स्टॉक को बचाना होगा, साथ साथ में एवेंजर्स को भी रिवाइव करना होगा। प्लीज कॉमेंट में पार्ट 3 लिखो जिससे कि हम जल्द से जल्द इस सूट को बना पाए। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।